नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं मार्केट साइंटिस्ट। और आज के इस एपिसोड में मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो अडानी विलमार स्टॉक को ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा किसी स्टॉक के क्वेरी हो और अगर कमेंट आपके आते हैं सेम स्टॉक के, जैसे अडानी पावर पोर्ट, अंबुजा इंटरप्राइजेस, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस ग्रुप के रिगार्डिंग जो भी न्यूज था, पॉलिटिकल न्यूज, ग्लोबल न्यूज, डोमेस्टिक न्यूज, उसको हमने कवर किया। आज इस स्टॉक के फंडामेंटल को देखेंगे और समझेंगे कि अडानी विलमार में बाइंग अपॉर्चुनिटी किस प्राइस पे दिख रही है, क्योंकि बहुत जगह ये भी क्वेरी दिख रहा है कि अगेन ये 800 के प्राइस को कभी टच ही नहीं करेगा। तो कहीं इस प्रकार से मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने 600-700 के बाइंग कर रखे हैं, क्या इस समय इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सभी जो आपके क्वेरी है उसका आंसर इस एपिसोड में आई होप सो कि आपको मिलते दिखेगा। जैसा कि हमने कहा कि 4 साल पुरानी कंपनी हिंडनबर्ग, जिसपे क्रिमिनल केस के कुछ एलिगेशन भी लगे हुए हैं, वो 40 साल पुरानी कंपनी अडानी, जो कि आज तक कभी भी किसी लोन में डिफॉल्ट नहीं हुआ, उस पर एलिगेशन आया मैनिपुलेशन का और कॉरपोरेट एलिगेशन कुछ लगे, और उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से यहां इशू बनते दिखा। और रवीश जी देख रहे हैं, पिछले 10 दिन से लगभग उसको कवर कर रहे हैं। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के लिए वो हिंडन चले गए, क्या पता गुलाब जामुन में वो गुलाब खोजे। तो इन सब चीजों को छोड़ेंगे। मोहित्रा जी 27,000 करोड़ जो SBI का लोन था उसको 27% बता रही है। तो इस प्रकार के काफी सारे मैनिपुलेशन किए जा रहे हैं। तो अडानी विलमार का मार्केट कैप, जो हाईएस्ट मार्केट कैप आप देखेंगे तो 1,30,00,000 करोड़ के आसपास का दिख रहा था, इस समय वो 40,000 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। 1,35,000 करोड़ से इस समय देखे तो लगभग 35-40 हजार करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। जहां तक आपको पता हो, ये कंपनी अडानी और विलमार जो कि सिंगापुर की कंपनी है, इसके बीच का ज्वाइंट वेंचर है। और जिस प्रकार से FMCG के मार्केट में देखेंगे ग्रो कर रही है, वो चाहे फॉर्चून ब्रांड के अंदर आपके घर में भी यूज हो रहा होगा, तो वो काफी एक्सपेंड करते हमने देखा है, जिस प्रकार से हमारे घर के यूज भी होते दिख रहे हैं। इस समय फंडामेंटली इस कंपनी को देखें तो डेट लगभग नहीं के बराबर है, वर्चुअल डेट है लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का, वो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जबकि 7,400 करोड़ जो है वो ऑलरेडी कंपनी के पास सरप्लस है। कंपनी नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, FMCG की ग्रोइंग कंपनी है। इस समय प्रमोटर देखें तो 87% के आसपास का है, फ्री फ्लोट पब्लिक में देखें तो ओनली 10% है। और इस स्टॉक में फंडामेंटली काफी बेहतर स्टॉक है, जिस प्रकार से इसके नेट प्रॉफिट बढ़ते देखेंगे, डेट लगभग नहीं के बराबर है, वन ऑफ द ग्रोइंग बिजनेस है। लेकिन जिस प्रकार के न्यूज इस समय ग्रुप को लेकर के ट्रेंड हो रहा है, उस समय थोड़ा कॉशन रहना चाहिए। अगर आपकी बाइंग 700 के ऊपर की है तो आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, अगर आपने IPO के प्राइस में खरीद रखा है तो बिल्कुल बने रहेंगे। 490 का प्राइस एक मेजर सपोर्ट दिख रहा था, वो इस समय रेजिस्टेंस बना है। पहले हमने देखा 620 का एक मेजर सप्लाई जोन था, वो इस समय 490 का बनते दिखा है। मेरा मानना है कि अगर अडानी विलमार 300-330 के बीच का प्राइस मिले तो एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अगर आपका प्रोस्पेक्टिव 2-3 ईयर के लिए है तो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बिल्कुल इग्नोर करेंगे, अगर आप नेक्स्ट 2-3 ईयर के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 300-330 के बीच का एक अपॉर्चुनिटी है। इस समय शॉर्ट टर्म ट्रेडर इग्नोर करेंगे, ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से है, अगर आपकी ऊपर की बाइंग है तो आप एवरेज आउट कर सकते हैं। और जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 ईयर के आसपास के ड्यूरेशन में अडानी विलमार अगेन आपको 850-1,000 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। आपका क्या व्यूज है आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, हो सकता है कि आप डिसएग्री हो, आपके अगर कुछ कमेंट बेहतर आते हैं, डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन होता है तो श्योरली उसको उत्तर दिया जाए।